नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बरबसपुर स्थित टीपी नगर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह कोरबा विधायक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं उनकी सफाई को लेकर नगर निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद बीजेपी जिलाध्यक्ष पर प्रशासन के दलाल होने का आरोप लगा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर कहीं पर भी बने लेकिन जल्दी बने। वहीं कोरबा विधायक और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल बरबसपुर पर ही नया ट्रांसपोर्ट नगर बनाने पर अड़े हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो कोरबा में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नए ट्रांसपोर्ट नगर को बनाने की मांग हुआ है, जिसको लेकर ये पूरा मामला है। सरकार क्या नहीं, कैसे बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? मैं नहीं बोल सकता। जल्दी जल्दी बनेगा। राखर कहीं भी गिरता है, जनता को अगर तकलीफ हो जाए तो उसके लिए हमारे थाना में प्रति जो सकता है। अगर आगे इसी तरह से हम लोग जनता के साथ बैठ करके जनता की राय लेकर के और जनता के हित में जो भी कदम उठाना होगा, हम कब तक होगा ये? क्योंकि 3-4 सालों से राखड़ की समस्या तो बराबर है। 3-4 साल से हम भी लगे हुए हैं, पत्राचार बराबर करते रहते हैं और NOC देने के लिए भी बहुत सारे हमने भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो अभी आगे अपन सोचेंगे कि इस तरह से जनता को तकलीफ ना हो। वहीं बिलासपुर में स्मार्ट सिटी कमिश्नर कुणाल दुदावत ने नाले के निर्माण और फुटओवर ब्रिज निर्माण कार्य का जायजा लेने अपनी टीम के साथ पहुंचे और वहां चल रहे कार्यों की समीक्षा की। साथ ही मटेरियल की गुणवत्ता, क्वालिटी, निर्माण की गति का निरीक्षण किया। वहीं संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देशित किया और जल्द से जल्द कार्य पूरा किया जाने की बात कही। तो कमिश्नर कुणाल दुदावत ने जायजा किया। इस दौरान अधिकारियों और ठेकेदारों को जल्द से जल्द फुटओवर ब्रिज का काम करने के निर्देश दिए। अपनी टीम के साथ फुटओवर ब्रिज के निर्माण स्थल पर अधिकारी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए और निरीक्षण किया। टॉक से जो है हमारा रेलवे स्टेशन रोड के जो सड़क चौड़ीकरण और उसके साथ साथ नवीन नाली निर्माण के जो काम कर रहे हैं उनका जायजा लिया गया। सभी कार्यों को जो है तेज गति से पूर्ण करने के मंथ एंड तक हमारा ये अनुमान है कि दोनों ही सड़कों पे जो साइड ट्रेन्स का काम चल रहा है उसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा एंड रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा। कमिश्नर कुणाल दुदावत ने फुटओवर ब्रिज का जहां निर्माण हो रहा है उस स्थल पर पहुंचे और अधिकारियों और ठेकेदारों को जायजा लेते हुए आदेश दिए, काम में जल्दी से तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कमिश्नर कुणाल दुदावत मौके पर पहुंचे हैं और सारी चीजों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बिलासपुर से है। बिलासपुर में नगर निगम अतिक्रमण दस्ते ने यातायात टीम के साथ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने सभी व्यवसायिक परिसर, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स को नोटिस जारी किया है। उसी के तहत सुबह इंजीनियर अतिक्रमण दस्ता और यातायात विभाग के TI सुनील तिर्की अपने दलबल के साथ अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने पहुंचे। सबसे पहले अग्रसेन चौक स्थित सुपरमार्केट मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स में सालों बंद पड़ी बेसमेंट पार्किंग के ताले तोड़कर खुलवाए गए। इस पार्किंग को खुलवाने से सत्यम चौक से लेकर अग्रसेन चौक तक लगने वाला जाम से राहत मिलेगी, क्योंकि पार्किंग न होने की वजह से वाहन बाहर ही खड़े कर दिए जाते थे। इस तरह शहर के 65 मल्टीप्लेक्स को निर्देश और नोटिस जारी किया है कि अगर वे जल्द ही नीचे अपने बेसमेंट पार्किंग की व्यवस्था नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम और यातायात
की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, जिसमें बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था के लिए ये पूरी कार्रवाई हुई है, जिसमें नगर निगम और यातायात की टीम कई जगहों पर पहुंची है। लगभग 65 मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस को आदेश दिए गए हैं कि अगर बेसमेंट की पार्किंग नहीं खोली जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में यातायात बाधित होता है क्योंकि पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं थी, जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है। कॉम्प्लेक्स है जिसपे लोग पार्किंग के अंदर में चाय दुकान, स्टोर और सब चीज बना लिए हैं, ऑफिस ऑफिस, तो उन सबको नोटिस दिया गया है। आज यहाँ पे पहला सुपर बाजार में जो अग्रसेन चौक के पास है उस पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे दो चाय दुकान बनाए थे, एक को हटा दिया गया है, एक को अभी बुलाया गया है और उसको तुरंत अभी हटा दिया जाएगा। तो नगर निगम की तरफ से, किसके साथ ही, यातायात टीम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था को लेकर सभी मल्टीप्लेक्सेस कॉम्प्लेक्स के मालिक को नोटिस दिए गए हैं, जिसमें बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नगर निगम और यातायात टीम की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है, और जिसमें सीधे तौर पर आदेश दिए गए हैं कि अगर बेसमेंट में पार्किंग नहीं की जाती है तो आगे चलकर कार्रवाई होगी। वहीं अगली खबर धर्मजयगढ़ से है, जहां जंगल में गुम हुए ग्रामीण की तलाश पूरी हो चुकी है। बता दें कि पुलिस को गुम हुए ग्रामीण की लाश डैम से मिली है। सूचना के महज 15 घंटे के अंदर ही पुलिस ने शव को खोज निकाला। पुलिस को भापकर उगाना के धुमनारा डैम से ग्रामीण के शव को बरामद किया है। बता दें कि ग्रामीण का शव सड़ी गली अवस्था में पानी से निकाला गया है। शव को पत्थर से बांधकर डैम में फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पोटिया के धुरसा जंगल में 7 तारीख की शाम से गांव का ग्रामीण सुपल सिंह राठिया गायब था, जिसे लेकर गांववासी काफी तलाश कर रहे थे, जंगलों में खोज रहे थे, लेकिन उनकी तलाश खत्म नहीं हो रही थी। लिहाजा धर्मजयगढ़ थाने में सूचना देने के बाद धर्मजयगढ़ TI के द्वारा तत्परता दिखाते हुए यहाँ मौके पर पहुंचकर जांच की कार्रवाई शुरू की गई, जिस पर ये पता चला कि घूम नारा के स्टाफ डैम के पानी में उसका शव डूबा हुआ था, जिसे खोजकर निकाला गया है और शव पुलिस बरामद कर आगे की जांच कार्रवाई कर रही है। धर्मजयगढ़ से हर खबर के लिए शेख आलम। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बिलासपुर से है, जहां सार्वजनिक श्रीमद् भगवत कथा परायण की पारंपरिक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक गायक मंडली ने नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया। बता दें कि नवंबर से फरवरी मार्च तक छत्तीसगढ़ में भगवत और नवादा रामायण का आयोजन गांव गांव में होता है।
वहीं राजगुरु नगर में जाडव परिवार ने 11वें रक्तदान शिविर का आयोजन शहीद हुतात्मा शिवराम हरि गुरुराज की जन्मस्थली पर किया। बता दें कि जाडव परिवार पिछले कई सालों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और रक्तदान शिविर पिछले 11 सालों से लगातार चला आ रहा है। इस शिविर में अनेकों युवाओं ने हिस्सा लिया और हटपसर के अक्षय ब्लड बैंक ने शिविर में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह शिविर थैलेसेमिया नाम की बीमारी के लिए आयोजित किया गया था। अपन थैलेसेमिया 367 मुल दत्तक घेतलेले या मुलांना आपण मंथली 2 bags फ्री ऑफ कॉस्ट देतो। ऍक्च्युअली गव्हर्नमेंट कडून या मुलांना ब्लड फ्रीच असतात, पण काही रिझन ब्लड बँक वाले सांगतात आमच्याकडे ब्लड नाही आहे, हे नाही आहे, ते नाही आहे। तर आज आपण जाणीव परिवारमार्फत जे रक्तदान शिबिर घेतलेलं आहे, तर हा फक्त उद्देश एकच आहे की त्या मुलांना मोफत रक्त भेटणे, हाच फक्त आपला उद्देश आहे। आणि जिथे जिथे आपल्या राजगुरुनगरमध्ये जरी कोणी थॅलेसेमियाची मुलं असतील, तर त्यांनी जाणीव परिवाराला संपर्क करा, आपण त्या मुलांना आयुष्यभर मोफत ब्लड देऊ। फक्त हे पुण्यापुरतंच मर्यादित नाही आहे, तर हे ब्लड कुठे लागू तुम्हाला नगरला लागू दे, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, मिरज, सांगली, कुठेही ब्लड लागू दे, तुम्ही कधीही संपर्क करा जाणीव परिवाराला। आपण 100% त्यांना मोफत ब्लड देणार म्हणजे देणारच। आणि हा उपक्रम तुम्ही किती वर्षापासून करताय? हा उपक्रम गेल्या 11 वर्षापासून आपण कंटिन्यू करत आहे। त्यामागचं म्हणजे तुम्हाला इन्स्पिरेशन कसं मिळालं? इन्स्पिरेशन म्हणजे मी सगळ्यात पहिली गोष्ट सांगलीमध्ये 12वीनंतर शिकायला गेलो। तिथं विलिंग्डन कॉलेजला असताना एका व्यक्तीला ब्लड लागलं होतं आणि मी डायरेक्टली भारती हॉस्पिटलला ब्लड डोनेशन केलं। तिथं सुशांत नावाची व्यक्ती होती, तर तिथं मी ब्लड डोनेशन केल्यानंतर त्यांनी मला फक्त एकच मेसेज केलं, दादा तुम्ही माझ्या बहिणीसाठी जे रक्तदान केलं ते मी कधीच आयुष्यभर विसरणार नाही। मग तेव्हा मला फक्त नॉर्मली समजले, बाबा आपण फक्त रक्तदान केल्यानंतर एखाद्याचा जीव वाचतो, तर हे रक्तदान किती महत्वाचं हे आपल्याला त्यातून समजलं। तेव्हापासून आपण उपक्रम कंटिन्यू चालू केले। आप ये जो आपकी कार्य पद्धती है पुणे में कहां से हैंडलिंग करते हैं? पुणे में व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है। कैसे हैंडलिंग करते हैं आप? आपके ग्रुप्स वगैरह होंगे या वैसे कैसे? व्हाट्सएप पे ग्रुप है ना, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, इंस्टाग्राम पे पेज है और बहुत सारे लोगों को भी पता है कि सोशल मीडिया की तरफ से आप पूरे अप्रोच है और उसी तरह से टोटली सोशल मीडिया है, फ्रेंड सर्कल है, फिर बॉम्बे ब्लड के लिए पण आपण काम करते। ये तो किसी चाहता बॉम्बे ब्लड तो किसी को पता नहीं है, जैसे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव होता है वैसे ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। इंडिया में इसके खाली 310 लोग है बॉम्बे ब्लड वाले, ओनली फक्त 300 ना। वहीं विधानसभा का समय नजदीक आते ही फिर एक बार जुबानी जंग जारी हो गई है। विधानसभा क्षेत्र में अधूरे विकास को लेकर भरतपुर सोनहत के पूर्व बीजेपी विधायक चंपा देवी पावले और कांग्रेस के वर्तमान विधायक गुलाब कामरो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए विकास की गाथा बयां कर रहे हैं। जहां मनेन्द्रगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय युवा कार्यक्रम में शामिल विधायक गुलाब कामरो ने कहा कि जो 15 साल में नहीं कर पाए मुझे बड़ा दुख है। जिस गांव के विधायक होकर सड़क नहीं बनवा पाए, अपने गांव में ध्यान खरीदी केंद्र नहीं बन पाए, ऐसे में लोगों के बारे में बात करना सही नहीं है। वहीं पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक चंपा देवी पावले ने कहा कि दूसरों पर आरोप मढ़ना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। ऐसे लोगों को भी मैं आपके माध्यम से नसीहत देना चाहूंगा, जो 15 साल में नहीं कर पाए मुझे बड़ा दुख होता है। जिस गांव के विधायक रहे अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए, जिस अपने गांव का धान खरीदी केंद्र नहीं बनवा पाए, अपने गांव में सड़क नहीं बनवा पाए, अपने गांव में बिजली नहीं लगवा पाए, अपने यहां कॉलेज नहीं खुलवा पाए, अपने यहां उप तहसील नहीं खुलवा पाए, ऐसे लोग हम बात करेंगे उचित नहीं होगा। धन्यवाद। दूसरे पर आरोप मढ़ना बहुत आसान है। आप मुझे कहते हैं अपने गांव में क्या विकास किए, मैं पूछती हूँ कि आपके जो गांव में विकास कार्य हुआ है, आपके गांव में जो पानी की सुलभ हुआ है, रोड बनी हुई है, वहां आवागमन सुलभ हुआ है, और भी विकास कार्य हुए हैं, वो कौन किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
वहीं बालोद में शहीद वीर नारायण की स्मृति में वीर मडाई मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। लोग 5 घंटे जाम में फंसे रहे। इस नेशनल हाईवे के लंबे जाम में अधिकारियों की गाड़ियां भी जाम में फंस गई। तो वीर मडाई मेले का आयोजन किया गया, लेकिन यातायात व्यवस्था ना अच्छी होने की वजह से नेशनल हाईवे 30 पर गाड़ियां फंस गईं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं डिंडोरी में आदिवासी विकास विभाग के लगभग 84 हॉस्टलों, आश्रमों और 44 हाई स्कूलों में करोड़ों रुपए की लागत की मरम्मत कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। करोड़ों की लागत से बनाई जा रही इमारतों के लिए जनता की मेहनत की कमाई का पैसा सरकार से लिया जा रहा है, लेकिन हॉस्टल और स्कूलों में सिर्फ मरम्मत के नाम पर पुट्टी और पुताई कर ठेकेदार सरकार का करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर जिला पंचायत के शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने जिले में व्यापक रूप से मरम्मत के नाम पर किए जा रहे घोटाले पर सवाल खड़े करते हुए करोड़ों की मरम्मत कार्यों की जांच कराने की मांग की है। वो देखता हूं मैं, उसमें क्या है मुझे पता नहीं है, परंतु बड़े स्केल में तो नहीं होगा। देखिए क्या होता है, सरकार की एक पॉलिसी होती है, कुछ अगर हमारे 100 विद्यालय हैं तो हम 25 को इस बार मरम्मत करेंगे, कुछ सामग्री देंगे, इस प्रकार फिर आने वाले वर्ष में फिर 25 को, फिर आने वाले वर्ष में 25, ऐसा करके इन 4 वर्षों में हम धीरे धीरे, क्योंकि ये जो भी हम सामग्री देते हैं उसकी टाइम लिमिट है, 3 साल या 5 साल के बाद है उसका रिप्लेसमेंट होता है, तो इस प्रकार की कुछ सरकार की पॉलिसी है। यह काम कर रहे हैं गिट्टी का, कितना इंच डाल रहे हो गिट्टी? गिट्टी भाई जितना बता रहे हैं उतने तो डाल रहे हैं। कितना कितना बता रहे हैं? 2.5 बता रहे हैं, या 2 इंच? 2 इंच ही बता रहे हैं। रेता गिट्टी कितना, सीमेंट कितना और रेता कितना मिलवा रहे हैं? रेता भाई अब जितना बताए उतने तो मिला है, पता नहीं सर वो तो अब कर रहे हैं कि नहीं। 8 एमएम की बिछे सर। दूरी कितनी है? तो अपन नहीं नापे हैं सर, वो पहले से बिछा हुआ था। कितनी दूर में ग्रेडिंग होती है? ऐसा तो नहीं देखा सर। अच्छा, इसमें पहले टांचे मरवाए? टांचे तो नहीं मरे सर। मसाला कितने कितने बनवा रहे हो? मसाले सर नीचे बनवा रहे हैं, वो बनवा के भेजा रहे हैं ठेकेदार लोग। ये कुदवारी है, बालक आश्रम शाला कुदवारी। क्या काम चल रहा है इसमें? इसमें ढलाई क्रम, ढलाई चल रहा है। छत तो पक्की थी जी। कितनी दूर दूर पे इन लोग रॉड लगाए हैं? 1 फीट में तो बोल रहे हैं सर। अच्छा, इसमें पहले टांचे मरवाए हैं, खुदवाए हैं कि नहीं? नहीं करे हैं। सफाई नहीं करे जी? नहीं। एसी सर को सारी जानकारी दे दी थी, एसी सर आए थे, मैंने बताया उनसे कि जितने भी मतलब निर्माण कार्य और मरम्मत कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी आप मुझे उपलब्ध करें, सूची उपलब्ध करें, जितने भी ठेकेदार इंजीनियर भ्रष्ट काम चल रहा है जिले में, जितना भी शिक्षा विभाग का भ्रष्ट काम चल रहा है, उसके अलावा नियुक्ति और ट्रांसफर अनुमोदन मेरे बिना जो जितना भी अनुमोदन हो जा रही, अगर ये सारे कामों में मेरा शिक्षा विभाग की समिति के अध्यक्ष होने के नाते ये सारे काम मेरे बिना अनुमति के हो रहे हैं। ये बालक आश्रम शाला कोदवारी लघु मरम्मत के तहत छत मरम्मत पर चल रहा है। ये कहाँ से कार्य चल रहा है सर? ये सब ये सर जी अब ठेकेदार वाला काम है। नहीं तो कहाँ आप कुछ नहीं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे। कुछ मिला आपको? नहीं नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, क्या काम हुआ? नहीं नहीं मिला। विजयपुर विधानसभा के विधायक केशव चंदा जांजगीर चंपा जिले के ग्राम पंचायत शिलाडीह पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय धान मंडी में बने 25,56,000 रुपए के भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक ने किसान और ग्रामीणों की कई समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान कई गणमान्य मौजूद रहे।
विधानसभा के विधायक केशव चंद्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जांजगीर चांपा जिले में पहुंचे हुए हैं और किस कारण पहुंचे हुए हैं उसी से जानेंगे, बताएंगे सर किस कारण आप जांजगीर चांपा जिला के सिलाडी गांव में पहुंचे हुए हैं। जी आज सेवा सहकारी समिति सिलाडी जी जो अभी अभी परिसीमन के बाद नया समिति बना है, वहाँ कार्यालय एवं गोदाम के लिए संयुक्त रूप से जो है 25,56,000 रुपए की स्वीकृति नाबार्ड से हुआ है जी। आज उसका भूमि पूजन था तो उसके लिए ग्राम के सरपंच ठेकेदार महोदय आरईएस विभाग ने भूमि पूजन के लिए बुलाए थे तो आए हैं और निश्चित रूप से 25,56,000 रुपए की लागत से अगर ये भवन बन जाएगा जी। तो यहाँ खाद बीज तमाम तरह के किसानों की जो है सामग्री रखने का भी सुविधा मिलेगा जी। साथ ही साथ कार्यालय बन जाने से किसान की तमाम गतिविधि चाहे केसीसी हो, खाद वितरण हो, बीज वितरण हो, इसकी भी सुविधा जो यहाँ होगी। तो आज सिलाडी हम उसके भूमि पूजन के लिए आए थे और इस अवसर पे मैं सभी किसानों को बधाई देता हूँ कि उनके सुविधा के लिए 25,56,000 रुपए से ये भवन जो है देंगे जी। आज कहाँ कहाँ दौरा किए हैं सर बताएंगे? आज तो मैं सबसे पहले बंसूला आया जी, वहाँ स्ट्रीट लाइट है 6 लाख रुपए का और 1 करोड़ रुपए का नल जल योजना है उसकी भूमि पूजन हुआ। उसके बाद करीब करीब 2,60,00,000 रुपए की विभिन्न विकास कार्य का सेमरिया पे 2 करोड़ रुपए का नल जल योजना, 5 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट, 19 लाख रुपए का तटबंध नाली सीसी रोड, ये 2,60,00,000 रुपए का सेमरिया पे जो है भूमि पूजन किए हैं जी। फिर एक नया सेवा सहकारी समिति जैसा सिलाडी बना है वैसी डबरा खुर्दा वहाँ के लिए 25,56,000 रुपए से निर्मित होने वाले गोदाम की भूमि पूजन किए हैं, फिर सिलाडी का भूमि पूजन किए हैं। इसके बाद बमरिंडी विकास खंड में आज विकास खंड स्तरीय जो है आज आदिवासी समाज का सम्मेलन है। तो जय जयपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर धान मंडी में भवन का भूमि पूजन हुआ, ग्रामीणों से इस दौरान चर्चा भी की गई है। भूमि पूजन की तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं जहां पर शिलाडीह में विधायक पहुंचे हैं और धान मंडी में भवन का भूमि पूजन किया गया है। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।